रूट्स क्रिकेट एकेडमी द्वारा रूट्स प्रीमियर लीग सीजन 2 का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन जीएलओ क्रिकेट ग्राउंड पर किया जाएगा। यहाँ पर रूट्स क्रिकेट एकेडमी की जो है 4 टीमें इसमें भाग लेंगी। आईपीएल की तर्ज पर कराया जाने वाला ये टूर्नामेंट के अंदर हमने जो एकेडमी के जो प्लेयर्स हैं उनको आईपीएल की तर्ज के ऊपर पेमेंट ना देके उनको पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग डिवाइडेड किया है। हर में हाईएस्ट जो बिड थी 5000 पॉइंट्स की रखी गई है। इसके अंदर हमारी एकेडमी से विजेंद्र सिंह जो अंडर 14 के हैं, आरुष अंडर 14 के हैं, और जो गर्ल है शिवानी चौहान वो अंडर 19 की है प्लेयर। ये सब हाईएस्ट बिड पे ऊपर सेल हुए, इनकी 5000 पॉइंट्स बिड लगी। और इस प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह 10 अप्रैल को जीएलओ क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा, जो लाइव टेलीकास्ट कराया जाएगा पूरा रूट्स क्रिकेट एकेडमी द्वारा क्रिकेट हीरोज़ के ऊपर। तो आप इस पूरी प्रतियोगिता को लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। ये जो अंडर 14 की, अंडर 17, अंडर 19 की जो प्रतिभाएं हैं शहर के अंदर, उनको निखारने के लिए टूर्नामेंट कराया जा रहा है। उनको अभी जैसे आईपीएल 2022 चल रहा है, 15 सीजन आईपीएल का, तो उसी तर्ज के ऊपर खिलाड़ियों के अंदर भी जो अजमेर शहर के जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर ये मोटिवेशन और उनके अंदर आईपीएल की फील लाने के लिए टूर्नामेंट कराया जा रहा है, ताकि वो भी अपने आप को प्रूव कर सके और अपने अजमेर ज़िले का नाम रोशन कर सके। आगे जाके आने वाले टाइम पे वो भी अपने शहर के लिए आईपीएल खेलें और भारतीय टीम में जगह बनाएं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देने की प्रयास कर रही है रूट्स क्रिकेट अकेडमी। आज इस उद्घाटन समारोह ऑक्शन के समारोह के अंदर जो पूर्व रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं अफरोज खान, उनके द्वारा इस ऑक्शन का उद्घाटन किया गया। ऑक्शन के अंदर उनके द्वारा जो टाई हुआ कई प्लेयर्स के अंदर बिड के अंदर, तो उनके द्वारा उस बिड को देखा गया और बिड को निकाल के उस प्लेयर को चुना गया बिड के अंदर। और इस प्रतियोगिता के अंदर 60 खिलाड़ियों का भाग लिया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के अंदर खास बात यह है कि हर टीम के अंदर एक गर्ल्स को पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। सीनियर गर्ल्स हैं हर टीम के अंदर, 4 टीमों के अंदर अंडर 14 के प्लेयर्स हैं, अंडर 17 के प्लेयर, अंडर 19 के प्लेयर हैं और अंडर 23 के प्लेयर्स और सीनियर प्लेयर्स हैं इसमें। तो मिक्स के अंदर टीम बनाई गई है ताकि बच्चों को कुछ बड़ों से सीखने को मिले, और एक हर टीम के अंदर एक गर्ल्स भी रखी गई है जिससे कि एक पूरा कॉम्बिनेशन बना के उनको सीखने को मिले। और 10 तारीख को इसका पहला मैच खेला जाएगा, उसके बाद 17 तारीख को इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला जाएगा। मैं शराफत